बॉलीवुड के शानदार एक्टर मनोज वाजपेयी की हम बात कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी एक ऐसे अभिनेता आज भी हैं जिनकी एक्टिंग की वाहवाही करते हुए लोग नहीं थकते हैं। अब मनोज वाजपेयी की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि मनोज वही शख्सियत है जिन्होंने SSR के जाने पर कहा था कि बहुत गम है, क्योंकि 34 की उम्र में उसने जो कर दिखाया वो करने के लिए 34 साल लग गए मुझे, लेकिन उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया। शानदार एक्टिंग के लिए हमेशा तारीफ लूटने वाले मनोज ने इसी बीच अपना दर्द फिर झलकाया है। मनोज को बीते दिनों सीरियल किलर नाम के वेब सीरीज में देखा गया था नेटफ्लिक्स में, जिसमें जैकलिन उनकी वाइफ बनी थी। ऐसे में मनोज तो हमेशा अपने एक्टिंग से तारीफ में रहते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी ज़िंदगी कैसी है इस पर उन्होंने कहा। उन्हें भी एक बार ऐसा ख्याल आया कि क्यों वो जीवित हैं, अपनी ज़िंदगी का अंत करने का ख्याल उनके दिल में आया था। इस भयानक रात से मनोज ने पर्दा उठाया था, इतनी बुरी तकलीफ हो गई थी। सत्या, अलीगढ़ राजनीति, सत्याग्रह, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में काम करने वाले मनोज, जो थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लगातार अपनी मेहनत के लिए आगे बढ़ने वाले, मनोज वाजपेयी ने बताया इंटरव्यू में कि कैसे दोस्तों ने उन्हें संभाल लिया था। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को बताते हुए उन्होंने कहा था ये बात किस तरह से कि थिएटर किया उन्होंने, फिर परिवार को आइडिया नहीं था इसका, कि वो पिता को एक लेटर लिखकर नाराज थे जो उनके पिता उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें गुस्से में आकर 200 रुपये भी नहीं भेजे थे उनके पिता ने उन्हें, और वो काफ़ी तकलीफ में थे, आंखों पर पट्टी बांध कर परिवार से दूर होकर एक आउटसाइडर होने की वजह से फिर होने की कोशिश में यहाँ लगे हुए थे। हिंदी इंग्लिश बोलती सीखी और भोजपुरी तो भाषा थी ही नहीं, ऐसे में NSD के लिए ट्राई करना भी मुश्किल हो गया था। रिजेक्ट जहां वो लगातार होते रहे, दोस्तों ने बहुत साथ दिया था, लेकिन बहुत तकलीफ में वो भी गुजरे थे। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।